दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वही बात बाइनेंस के अगेंस्ट। ओके, यहाँ पे समथिंग जैसे कि बाइनेंस ने 10 तारीख को सर्वर जो उनका अपग्रेड किया था, और अपग्रेड करने के बाद उनका जो सिस्टम था, उनका जो जिस हिसाब से पूरा सिस्टम जो था, कुछ बाय मिस्टेक हुआ, और बाय मिस्टेक होने के बाद में उनके कुछ ट्रांजेक्शन जो पेंडिंग थे या तो सेंड हो गए या फिर उनको बाइनेंस के वैलेट को अपग्रेड के दौरान किसी ने हैक किया। ओके, तो वही अभी यहाँ पे देखते हैं। ये जो न्यूज़ मिली है मेरे को, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग न्यूज़ मिली है, मैं अलग अलग आपको बता दूँगा। और ये है न्यूज़ मिली है bitcoins.com से, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हेयर वाई डोगी कैन विड्रॉल एयर फेरेजन ऑन बाइनांस। ठीक है, ये सब चीज़ें कोई भी यूट्यूबर आपको यहाँ पे नहीं बता रहा है। कोई भी यूट्यूबर आपको, इंडिया वाले यूट्यूबर कोई नहीं बता रहा है। मैं आपको सर्च करके बता दूंगा, या फिर आप ये चीज़ सर्च करके आप देख लेना यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो इंडिया के ऐसे ऐसे यूट्यूबर है, बड़े बड़े नामी यूट्यूबर है, कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा, कोई आपके ऐसा कुछ नहीं करेगा। अदरवाइज़ बाहर के जो यूट्यूबर है, उन्होंने लगभग दो चार वीडियो उनके मार्केट में आए हैं, और वो इनको इनके अगेंस्ट बाइनेंस के सामने वो उनके जो सवाल हैं वो वहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या सवाल रखा है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, और इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि इस वेबसाइट ने डोगी कॉइन निकासी का प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस पर रोक दिया है, और बाइनांस ने मतलब के सभी तरीके से डोगी कॉइन का विड्रोल और डिपॉजिट फ्रीज कर दिया है। ठीक है, यानी कि फ्रीज के निवेश को एक्सचेंज के इरादों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। और यहाँ पर ये भी दिया है, जितने भी यहाँ पर एक्सचेंज के होल्डर्स हैं, उन इरादों एक्सचेंज के इरादों पर सवाल उठाने के सिस्टम को किया है। मतलब सवाल उठा रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनका जो एक्सचेंज में जो भी फंड था, उन्होंने बाइनेंस ने रोक लगा दी, और डेली के डेली बहुत सारे लोगों के ऊपर ये बार बार वही कर रहा है, डेली के डेली नए मामले आ रहे हैं। ठीक है, यह पहली बार नहीं है जब डोगी कॉइन निवेशकों को अपने सिक्कों को स्टोर करने के लिए एक्सचेंज या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ समस्या हो रही थी। डोगी रैली की ऊंचाई पर रोबिन हुड के साथ भी ऐसा मुद्दा हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में सुलझा लिया गया। ओके, उन्होंने रोबिन हुड जो एक्सचेंज है, उन्होंने के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, और उन्होंने बाद में पूरा सोल्यूशन निकाला था। परंतु बाइनांस एक ही बार बात बात बोलता है, अपने जो यूज़र्स हैं उनको ये बात बोलता है कि भाई साहब आप तो हमारे जो डोगी कॉइन आपने लिया है वो आप सेंड करो। ठीक है, परंतु जो भी लोग इनके होल्डर्स हैं, कुछ भी हैं, उनका कोई भी किसी भी तरह से कोई भी सिस्टम के मामले में या फिर कुछ भी नहीं किया है, उनका कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है, बल्कि 100% क्या 101% बाइनेंस की गलती है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि बाइनेंस के उपयोगकर्ता को उनके डोगी कॉइन होल्डिंग के मामले में परेशानी हो रही है, जबकि उपयोगकर्ता निकासी के सक्षम होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे कारण हैं जिनके कारण बाइनेंस ने पहली बार फ्रीज को लागू किया है, यानी कि जितने भी लोग थे उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि उनके कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये लोगों को अकाउंट को फ्रीज किया है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है बाइनेंस के लिए। ठीक है, बाइनेंस ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से निकासी फ्रीज की घोषणा की थी। इसके अपग्रेड के बाद लोगों को नेटवर्क को आने वाली समस्याओं के कारण जिम्मेदार ठहराया, हालांकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मुद्दों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये उनके लिए एक अच्छा काम नहीं है, यानी कि बाइनांस को ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि लेन देन यहाँ पे बताया कि बाइनांस ने किसी तरह डोगी कॉइन लेन देन को नाराज कर दिया गया है, यानी कि नेटवर्क शुल्क के अतिरिक्त लोग फंसे गए हैं, और उनको ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से वो यहाँ पे डोगी कॉइन लेने की ये कर रहे हैं। ठीक है,
हालांकि यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि बहुत सारे जिनका अकाउंट लॉक हुआ है उनको एक न्यूज़ यहाँ पे ये है कि डॉगी को इनके पीछे डॉलवर्स के ट्वीट के अकाउंट के माध्यम से सुलझाने का मंच पर ले लिया है। यानी कि जितने भी डॉगी को इनके ट्रांजेक्शन हुए उनको यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स थे सभी को फ्रीज कर दिया गया है। या फिर ये सिस्टम जो है आपके सामने पूरा पूरा है, इसका वीडियो में डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। डॉगी को इनकी जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। परंतु एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है, क्योंकि जिन्होंने एक साल बाद डॉगी कॉइन नेटवर्क पर अपग्रेड किया, यानी कि बाइनांस ने अपना नया वर्जन लेके आया, अपग्रेड किया और तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम अभी बाइनांस के हाथ में नहीं है, मतलब डॉगी कॉइन के हाथ में है। परंतु उनको ये भी करना चाहिए था कि भाई साहब आपने क्या बोलते हैं उसको कि अकाउंट को फ्रीज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोग जो थे, इन्वेस्टर जो थे, वो पूरे के पूरे सक्षम थे और इनको 100% बाइनांस के ऊपर विश्वास था। परंतु ये सब मुद्दा कोई इंडियन यूट्यूबर्स नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।